हमारे सनातन वैदिक धर्म संस्कृति में कार्तिक मास जो है वो एक संवत्सर का आठवां मास कहलाता है। यह मास भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित मास है। इस मास में सबसे ज्यादा हमारे वैदिक संस्कृति के पर्व त्योहार आते हैं। लगभग 15 से 17 पर्व इस मास में रहते हैं और अत्यंत शुभ और पवित्र पुण्यदायक मास कार्तिक मास होता है। कार्तिक मास में स्नान करने का सूर्योदय से पूर्व बहुत बड़ा नियम, अनेकों धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कार्तिक में स्नान करना बहुत पुण्यदायी है, अजर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है एवं कार्तिक में दीपदान अवश्य करना। महाभारत में इसके विषय में बतलाया गया है कि पुण्य तीर्थों में भगवान विष्णु के देवस्थान में नदी के तटों में पीपल वृक्ष की छाया में अपने देवता पूजा घर में तुलसी के पौधे के निकट नित्य दीपदान करें प्रातः काल एवं सायंकाल। इससे उन्नति वृद्धि अनेकों होगी। दीपदान शुद्ध घी शुद्ध तिल के तेल में एक दिए में 2 बत्ती लगा करके नित्य 2, 5, 11, 51 ऐसी संख्या में आप दीपदान करते हैं तो भगवत अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष अनुग्रह मिलता है। साथ ही ये मास माता लक्ष्मी का भी विशेष मास है जिसमें दीपावली अनेकों व्रत पर्व आते हैं तो माता लक्ष्मी भी इस दीपदान से और पूजन से प्रसन्न होती है। विशेषकर पर्व जो है ये संपूर्ण कार्तिक मास में रहते हैं, इसलिए नित्य आप अगर दीपदान करते हैं भगवत आराधना में दीप जलाते हैं तो आपके घर में सभी प्रसन्नता और खुशियां आ जाती है। ये कार्तिक में भगवान विष्णु श्री हरि को तुलसी अर्चन करने का बहुत बड़ा महत्व है, तुलसी पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। नित्य प्रातः काल आप उठ करके स्नान आदि कर्म निवृत्त होकर के देवता पूजन करके तुलसी वृक्ष में आप उनका पूजन करते हुए हल्दी रोरी कुमकुम अक्षत सिंदूर चढ़ाते हुए उन्हें वस्त्र डाल करके नित्य दीप जलाएं, माता तुलसी प्रसन्न होकर के विशेष आयु आरोग्य ऐश्वर्य सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। इसी कार्तिक मास में भगवान दामोदर के साथ माता तुलसी का विवाह भी आता है, इसलिए कार्तिक में तुलसी का विशेष महत्व देता है। तुलसी विष्णु प्रिया है, इसलिए कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणारविंद में अगर आप तुलसी अर्चन करते हैं तो अहो भाग्य, आपको ये मानव जीवन जो मिला ये संपूर्ण सार्थक हो जाता है। आपके कुल वंश में आपके पूर्वज भी तृप्त हो जाते हैं और आपके परिवार जन को भी भगवान का विशेष आयु आरोग्य ऐश्वर्य आशीर्वाद मिलता है। इसलिए नित्य अगर आप देवस्थान न जा सके तो घर में भी भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें या निकट में कहीं भगवान विष्णु का देवस्थान मंदिर है तो अवश्य कार्तिक मास में आप उन्हें तुलसी अर्चन करें दीपदान करें। भगवान की विशेष अनुग्रह कृपा आप सभी पे बरसे। हरिओम।